नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा बर्गर नूडल्स जूस हॉट एंड कोल्ड कॉफी तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। आप सभी देशवासियों को जीएस न्यूज टीम की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब भारतीय हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। अपने पूर्वज के दिए गए सौगात को सम्मानित करने पहुंचे राज परिवार। जी हां, दोहराया गया एक बार फिर से इतिहास। दरभंगा किले पर 59 साल बाद दोहराया गया इतिहास। राज परिवार ने फहराया तिरंगा झंडा। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। दरभंगा किले पर 59 साल बाद दोहराया गया इतिहास। राज परिवार के द्वारा किया गया झंडोत्तोलन। दरभंगा के प्राचीन 58 फीट ऊंचे किले पर राज परिवार के द्वारा झंडोत्तोलन कर गौरवशाली गाथा की शुरुआत की गई। विदित हो कि 59 साल बाद इस किले पर राज परिवार के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। जैसे ही लोगों को पता चला कि राज किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, लोग भाग भाग कर किले के मेन द्वार पर पहुंच गए। सैकड़ों लोगों की संख्या में बुजुर्ग, बच्चे और जवान, महिला सभी वहां एकत्रित हो। दिल्ली की तर्ज पर बिहार ने किसान संगठनों का निकाला ट्रैक्टर मार्च। कृषि बिल वापस लेने की मांग। पंजाब और हरियाणा के किसानों के तर्ज पर देश के कई हिस्से में किसान बिल का विरोध किया जा रहा है। आज किसान बिल के विरोध में दिल्ली में किसान संगठनों ने जमकर उत्पात मचाया है। इसी कड़ी में भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले विभिन्न किसान संगठनों द्वारा गणतंत्र दिवस पर आज शहर में ट्रैक्टर परेड निकाला गया। इस दौरान दर्जनों ट्रैक्टर पर सवार किसान परेड में शामिल हुए और कृषि बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सत्ताधारी दलों में भर्ती अभियान। जदयू के पाले में गए वर्तमान एमएलए तो बीजेपी को मिले भूतपूर्व माननीय। बिहार की सत्ताधारी पार्टियों में भर्ती अभियान की शुरुआत हो गई है। जदयू के तरफ से जहां वर्तमान जनप्रतिनिधियों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है, तो वहीं सहयोगी भाजपा भूतपूर्व माननीय को दल में शामिल करने में तुल पड़ी है। जदयू ने जहां 3 विधायकों पर दौरे डाले हैं, उसमें उसे काफी हद तक सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। एक विधायक को पार्टी में शामिल करा लिया गया है, जबकि 2 विधायकों से समर्थन ले लिया गया है। कटरिया के पास रेलवे ट्रैक पर युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक में नेम प्लेट पर लिखा है जदयू प्रखंड उपाध्यक्ष। जिले के रंगरा थाना क्षेत्र के कटरिया रेलवे स्टेशन के पास अपराधियों ने एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। युवक के चेहरे पर 4 गोली मारी गई है, जिसमें मृतक का चेहरा पहचानने के लायक नहीं बचा है। घटना की सूचना मिलते ही रंगरा थाना अध्यक्ष मेहताब खां, आरपीएफ इंस्पेक्टर पीएच दुबे, रेल थाना के थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक छानबीन करना शुरू कर दिया। बिहार में मिले कोरोना के 160 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 26,139। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 26,139 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए। फिलहाल बिहार में 2,425 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण। केंद्र सरकार ने किया पद्म पुरस्कारों का ऐलान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा। लोक सेवा के लिए उल्लेखनीय काम के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। वहीं गोवा के राज्यपाल रही मृदुला सिन्हा को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। पिछले साल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया था। पिता का नाम भी शुद्ध नहीं लिख पाते हैं तेज प्रताप यादव। लालू की रिहाई के लिए पत्र में कई गलतियां।
राष्ट्रपति को एक लाइन का पत्र लिखने वाले तेज प्रताप यादव अपने पिता का नाम भी सही ढंग से लिखने में असमर्थ हैं। तेज प्रताप ने राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखी है। एक लाइन की इस चिट्ठी में कई गलतियां देखने को मिलती है। लाल किला परिसर को खाली कराया जाएगा, अतिरिक्त पुलिस बल की भेजने की तैयारी। दिल्ली में किसानों की उपद्रव के बाद गृह मंत्रालय की बैठक में लाल किला परिसर को खाली करवाने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से लाल किला के दरवाजे को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं बढ़ते उपद्रवियों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजने का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में किसानों के उपद्रव के बाद इंटरनेट सेवा बंद। सिंधु टिकरी गाजीपुर बॉर्डर एरिया में भी सेवा ठप। दिल्ली में किसानों का उपद्रव जारी है। लाल किला पर झंडा फहराने के बाद दिल्ली के कई इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। सरकार ने किसी तरह के अफवाह न फैले इसको लेकर सेवा पर रोक लगा दी है। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींच कर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052443।